तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक टेक्निकल पिक की। दोस्तों बात कर लेते हैं संवर्धना मदरसम इंटरनेशनल कंपनी की। इसमें भी दोस्तों बाइक की कॉल आ रही है और इसके जो टारगेट है 133 तक के दिए जा रहे हैं और 9% तक का रिटर्न्स दिया जा रहा है। तो आइए इसके टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों नए आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मदरसम का जो स्टॉक है वो पिछले कुछ दिनों से ब्लूलिस्ट ट्रेंड्स में दिख रहा है और यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये जो स्टॉक है अपने पीक के अराउंड ही क्लोज होता दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहे हैं और RSI भी देखें तो ब्यूलिश क्रॉसओवर देता दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बढ़िया टेक्निकल्स, मतलब टेक्निकल्स मूविंग एवरेज देख लो, RSI फैक्टर देख लो, जहां आप इसका मोमेंटम देख लो, तो शॉर्ट टर्म में इसका जो स्टॉक का मोमेंटम है बहुत ही ब्यूलिश है। एक ब्यूलिश आउटलुक यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है। तो अब हम इसका जो चार्ट है वो आपको शो कर देते हैं। चार्ट में बहुत ही ब्यूलिश मोमेंटम फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो चार्ट पैटर्न है। जस्ट वेट फॉर ए मिनट, वी विल बी शोइंग यू द डिटेल चार्ट पैटर्न ऑफ द मदरसन सुमी, ताकि आपको सारा समझ आ जाए। दोस्तों पहले ये जो स्टॉक था ना, ये कंसोलिडेशन में चला गया था। ये देखो, ये इसकी ट्रेंड लाइन चल रही थी पहले वाली, और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, और ये जो स्टॉक है ना कंटिन्यूसली नीचे गिरता दिखाई दे रहा था यहाँ पे देखो। लेकिन लोअर ट्रेंड लाइन के राउंड इसने बॉटम फॉर्मेशन किया और इसमें एक रिवर्सल शुरू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो, अब ये जो स्टॉक है रिवर्सल के मोड में दिख रहा है। ये इसकी जो लाइन दिख रही है मूविंग एवरेज, ये भी अब ब्यूलिश हो चुकी है और यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया है। ये देखो, ये स्टॉक अब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है, हायर हाइज एंड हायर बॉटम्स फॉर्मेशन करता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों आने वाले दिनों में ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। तो इस स्टॉक में आप धीरे धीरे करके एक्युमुलेशन करते रहें, क्योंकि वॉल्यूम्स भी जो है वो इसके इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों इसमें आप धीरे धीरे करके जो है वो एक्युमुलेशन करें। आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है आपको 135 तक के टारगेट तक जाता दिखाई दे सकता है। पहले देखो, इसमें एक ब्यूलिश डाउन ट्रेंड चल रहा था पहले, लेकिन अब इस स्टॉक में एक ब्यूलिश मोमेंटम फॉर्म हो रहा है और ये स्टॉक अपना हायर हाइज हायर बॉटम बना के एक रिवर्सल शो कर रहा है, वी शेप रिकवरी शो कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए इस पे जो टारगेट है 133 तक के दिए जा रहे हैं, तो आप इस स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस लगाना मत भूलें, और जो इसका स्टॉप लॉस है वो आपने लगाना है 116 के राउंड स्टॉप लॉस लगा के 135 तक के टारगेट को फॉलो कर सकते हो। तो थैंक्स अगेन दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर